तो जी हाँ गाइस, तो हम स्टार्ट कर चुके हैं एक माइनक्राफ्ट का न्यू सर्वर, जिसमें हम पहली बार ये गेम को अपने चैनल में अपलोड करेंगे और खेलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, तो मुझको ये घोड़ा मिल चुका था, तो मुझको नहीं पता था ये घोड़ा कैसे आगे बढ़ता है। तो मैंने आगे बढ़ने का पूरा कोशिश किया तो आगे नहीं जा रहा था, इसी के लिए मैंने घोड़े को मार दिया। तो आगे देखिए मैंने घोड़े को कैसे मारा। तो गाइस, मेरे दोस्त ने चिल्लाने लगा था, क्यों मार दिया क्यों मार दिया, इसमें ये लगता है वो लगता है तब आगे बढ़ता है। तो मुझको उस समय तक नहीं पता था। और ये एक भेड़ का बच्चा को खून कुत्ता ने काट रहा था, तो ये कुत्ता मुझको बहुत क्यूट लगता है। देखिए कितना मासूम चेहरा है, तबीयत गहरा है। तो चलिए आगे। तो आगे देखिए मेरा टीममेट खड़ा है, और यहाँ से हम स्किप मार के चलते हैं अपने कुत्ते पास। तो देख सकते हैं मेरे कुत्ते को, अभी इसको क्या खिलाऊं क्या नहीं खिलाऊं जिससे मेरा पालतू बन जाए, तो मुझको उस समय नहीं पता था। तो चलिए अब मैं ये मुर्गी को मार के चलता हूँ, क्योंकि अभी लकड़ी उकड़ी काट लेता हूँ, क्योंकि आगे मुझको रात होने वाला, मुझको पता है हथियार बनाना होगा। बैट के लिए तो सामान है नहीं, तो रात भर तो एक तलवार या कुछ भी चीज़ से हमको रात काटना ही है। तो आगे देखिए यार, एंजॉय कीजिए। मैं कैसे क्या क्या चीज़ बना रहा था, कंफ्यूज हो गया था पूरा। देखिए आगे। तो गाइस, तो मुझको बनाना था क्राफ्टिंग टेबल, और कैसे बनता था मुझको ये नहीं पता था। तो मेरे जो एपिक हेमंत थे, उसका मैंने यूट्यूब चैनल में देखा था कैसे बनता है, तो मुझको याद आ गया था। तो ही मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और फिर तलवार बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करूँगा। तो गाइस, तो क्राफ्टिंग टेबल हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे कहीं रख के तलवार बनाते हैं। तो हमें तलवार बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या पड़ता है मुझको नहीं पता। तो हमारे पास एक स्टिक घट रहा, तो स्टिक कैसे बनता मुझको नहीं पता है अभी तक। तो चलिए। तो जी हाँ गाइस, तो यहाँ मुझको एक जोम्बी डैमेज दे देता है, तो मुझको तलवार तभी बनाने के लिए स्टिक नहीं पता कैसे बनता है। तो यहाँ से मैं भागने लगता हूँ, बहुत डैमेज दे देता मुझको ये जॉम्बी। सामने इंडरमैन भी दिख जाता मुझको, अरे कैसे मारूँ कैसे नहीं मारूँ ये समझ नहीं आता मुझको। तो इसको तो मैं मार के भाग जाता हूँ, क्योंकि दूसरा कोई जॉम्बी आके मुझको नहीं मार दे। और खाने के लिए मेरे पास कुछ पका हुआ है नहीं, कच्चा कच्चा मीट कितना खाऊँगा। तो चलो इसको मार के मैं भागने लगता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्किप कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर ही मुझको मार देता है, तो ये भी आ जाता है। तो ये मैच में मैं 2 बार रात को मर जाता हूँ भाई। तो देखिए ये भी मुझको डैमेज देने लगता है। तो देखिए फिर से मैं रिस्पॉन्स होता हूँ, मरने वाला सीन नहीं दिखाया हूँ आपको, क्योंकि मुझको ख़राब लगा थोड़ा इसलिए। तो चलिए तलवार बना लिया हूँ मैं, अब जॉम्बी लोग का सामना करते हैं। ये क्या बम फूटा था इसी के चलते एक बार और मरा हूँ मैं रात को। तो ये क्या हेलमेट उलमेट लगा के आया है जॉम्बी भाई, हेलमेट, वाह, अब तो हेलमेट से बचना होगा। चलो ये जॉम्बी को तो मैं ख़त्म कर देता हूँ, 2 वो जॉम्बी आते हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ी आगे जाता हूँ, मुझको फिर से 2 जॉम्बी दिख जाते हैं। मैं सोचता हूँ एक जॉम्बी है, और एक जॉम्बी अचानक आ जाता है बगल से। तो गाइस, तो ये मुझको बहुत ज़्यादा डैमेज दे देते हैं। मैं जानता हूँ अब तलवार उलवार मरना तो नहीं है, तो सब जाएगा भाड़ में। तो मैं रोड पार होकर के भाग जाता हूँ, रोड पार बोलता हूँ यार, नदी पार होकर भाग जाता हूँ। तो ये सुबह का टाइम हो जाता है, तो एक जॉम्बी आग लग के मर जाता है। तो गाइस, तो ये आग क्यों लगा मुझको नहीं पता है,
तभी ये तो सुबह होते होते आग लग जाता है जॉम्बी सब में इतना। तो माइनक्राफ्ट का ऐसा और सीरीज़ आपको देखना है तो भाई 5 लाइक तो प्लीज़ कर दीजिए, और तब तक के लिए मिलते हैं कुछ समय बाद माइनक्राफ्ट में, क्योंकि अभी तो पबजी बैंड है। जी गाइस, अभी पबजी बैंड है तो अभी खेल नहीं पा रहा हूँ, तो माइनक्राफ्ट अभी खेलूँगा जी भर के। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।